नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। लखनऊ से है, जहां पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर क्लर्क के पद पर तैनात विपिन सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों को सूचना मिलने पर कोहराम मच गया। बता दें, मृतक की पत्नी ने साथी कर्मचारी पर शक जताया है। क्या घटना हुई आपके पति के साथ में? यहाँ पे जो है, मुझे 11 बजे 11:30 बजे फोन किया गया कि आपके हस्बैंड बेहोश पड़े हैं। तुरंत हम जो है भाई जी को भेजे, यहाँ पे आए तो देखे खत्म हुए पड़े हैं। और जो है कहाँ नंबर नहीं है, नंबर बकायदा नंबर था इनके पास और कहाँ नंबर नहीं है। दसियों बार घर आए, खाना पीना सब खाए, आज कह रहे नंबर नहीं है। कौन कह रहा था? आकाश। अच्छा। आज कह रहे नंबर नहीं है और ये दारू बराबर पी गई है और कह रहे दारू वारू कुछ नहीं चली, सब कुछ मिला है यहाँ पे। क्या किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? ये मुझे नहीं पता यहाँ के बारे में। अच्छा, कौन कौन स्टाफ में था? स्टाफ में 4-5 लोग थे, नाम एक ही को जानते हैं। अच्छा। मुकेश कनौजिया, आकाश। दो अच्छा, सूचना किसने दिया था आप लोग? सूचना है आकाश ने दिया था। अच्छा, क्या बताया? बताया कि वो बेहोश पड़े हैं। अच्छा। आप किसी को तुरंत भेज दीजिए। कितने बजे करीब सूचना दी? वो 11:30 बजे। अच्छा। 11:30 बजे मैंने भाई जी को कॉल किया और बगल में एक पड़ोसी को किया, हमने कहा तुरंत जाइए, तो भाई जी और यहाँ आए तो पता चला कि खत्म हो गए, तभी हम सबके साथ में आए हैं। कल रात्रि थाना हजरतगंज क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम विपिन सिंह है, जो कि पीडब्ल्यूडी कार्यालय में जूनियर क्लर्क के पद पर तैनात है, उनकी अपने कार्यालय में ही मृत्यु हो गई है। इस संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची एवं फील्ड यूनिट की टीम भी वहां मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया एवं अग्रिम कार्रवाई इसमें पेश की। लखनऊ के पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर एक क्लर्क की बॉडी पाई जाती है और यहाँ पर उसकी पत्नी आरोप लगाती है कि उसके साथियों ने उसकी जान ली। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर। यहाँ पर देर रात की बात है, एक घटना है। यहाँ पर एक क्लर्क है विपिन सिंह नाम के, उनकी बॉडी पाई जाती है मौके पर ही, कमरे में ही। उसके बाद उसके परिवार वालों को सूचित किया जाता है और वहीं कहीं ना कहीं उसकी पत्नी है आरोप लगाती है कि जो उसके साथी हैं वही उसकी हत्या के दोषी हैं। और मामला, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी घटनाक्रम पर पुलिस को सूचना दी जाती है, फॉरेंसिक टीम भी आती है और कहीं ना कहीं पुलिस मौके पर मौजूद होती है। वहीं दूसरी तरफ सपना सिंह जो है उसकी पत्नी है, वो हत्या की गुंजाइश लगाती हैं और पुलिस को मौके से शराब की बोतलें से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जो कि काफ़ी संदिग्ध लगती है। हालाँकि इस पूरे मामले पर अभी तक किसी पुलिस अधिकारी का कोई बयान नहीं आया है। देखने वाली बात ये भी होती है कि कहीं ना कहीं ऐसे सरकारी मुख्यालय हो और तमाम ऐसी जगहों हो, वहाँ पर अगर ऐसी घटना होती है तो सबसे बड़ी बात ये है कि कानून व्यवस्था से लेकर तमाम ऐसे लोगों पर सवाल उठता है जो कि इस पूरे मामले में संदिग्ध पाए जाते हैं। लखनऊ के पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में विपिन सिंह नाम के क्लर्क की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। उसके परिवार वालों को सूचना तकरीबन रात के 1:30 बजे मिलती है और परिवार वाले उसकी बॉडी तकरीबन सुबह 7 बजे देख पाते हैं। परिवार में एक मातम सा छाया है। हमारे साथ विपिन सिंह के बड़े भाई जय सिंह हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने एक तहरीर भी दी है। हजरतगंज थाने का मामला है पूरा। विपिन जी, ये बताइए, जय सिंह जी ये बताइए कि शुरुआती दौर में आप लोग को कहाँ से सूचना मिली? शुरुआती दौर में हमें नितेश जो है सूचना दिया गुप्ता यहाँ से कि आपके भाई जो है एक्सपायर कर गए हैं। उसके बाद फिर आप लोग ने क्या किया, क्या एक्शन था आप लोगों का? फिर हम लोग रात में जाके गाड़ी ढूंढ के फिर सब लोग परिवार भर यहाँ आए प्रतापगढ़ से। अभी मुझे ये ज्ञात हुआ है कि आप लोग पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर थे और आप लोग का एक अंदेशा था कि हत्या की साजिश भी हो सकती है, कुछ इस बारे में बताइए। साजिश हो सकती है सर, इसलिए कि जब इनकी तबीयत खराब हुई, जो साथ में थे उनको ले जाना था हॉस्पिटल, वो छोड़ के चले गए। विपिन जी, अक्सर ये लेट आया करते थे घर पे या फिर ये पहली बार हुआ? नहीं, 8-9 बजे तक आ जाया करते थे।
क्योंकि अभी शुरुआती दौर में सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि वहाँ पर कुछ शराब की बोतलें भी पाई गई हैं। क्या इस तरह से पार्टी रोजाना होती थी या ये कुछ ऐसी पहली घटना है आपके संज्ञान में? सर, हम जो है गांव में रहते थे, यहाँ तो रहते नहीं थे, तो ये पीते जरूर थे थोड़ा बहुत, लेकिन घर पे आके पीते थे। क्या लगता है आपको, आप लोग ने पोस्टमार्टम कराया, हजरतगंज थाने में तहरीर दी, मामला पीडब्ल्यूडी मुख्यालय क्या है, बहुत बड़ा मुख्यालय है, क्या लगता है कि इसमें कुछ संदिग्ध चीजें हैं आप लोग को लगता है? संदिग्ध हमें लग रहा है सर, इसमें किसी पे शक है आपको? जो साथ में थे उन्हीं के ऊपर शक है। किस तरह का, आप किस तरह से आरोप लगा सकते हैं साथ वालों? आरोप लगा नहीं सकते, वो लोग आके अपने जो है कबूल सच्चाई जो है बताएं। मोबाइल बंद किए हुए हैं मुकेश, मोबाइल लग नहीं रहा है उनका। मोबाइल उनका बंद है या मतलब जो साथ में? एक जन का बंद है, स्विच ऑफ है। सपना सिंह के नाम पर तहरीर दी गई है। सपना सिंह मृतक विपिन सिंह की पत्नी थी, उनके एक भाई है हमारे साथ। भैया थोड़ा सा आइएगा इधर। क्या शुभ नाम होगा भैया आपका? जितेंद्र कुमार जायसवाल। जितेंद्र जी, ये बताइए क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा हादसा हो गया, आपके बहनों ही या जीजा लगते होंगे, क्या लगता है, कुछ कहना चाहेंगे उसको? सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो है बगल में सिविल अस्पताल, अगर उनकी तबीयत गड़बड़ाती है तो उनके सहायक कर्मचारी जो भी उनके साथ में है, तो बगल में अस्पताल सिविल अस्पताल है, क्या कहते हैं, क्या वहाँ उनको दिखाया नहीं जा सकता था? और गार्ड का मानना है, गार्ड कहता है कि रात में करीब 8:30 के आसपास उनकी डेथ हो चुकी है। मेरी सिस्टर ने मुझको फ़ोन 11:45 पे मुझको फ़ोन किया है, मैं वहाँ पे जो है 12:15 के आसपास पहुँचा हूँ, तो वो मृत पाए गए हैं, क्या कहते हैं। उनका जो साथ के सहयोगी लोग हैं, वो इनका कहना है कि ये बैठे थे चेयर पर से गिर पड़े, क्या कहते हैं, खड़े हुए गिर पड़े जो है, उसके बाद पानी छीटा उठा मारा गया, फिर ये उठ के खड़े हो गए जो है, फिर ये नीचे गए, नीचे से जाने के बाद जो है फिर ये ऊपर आ गए कि हम तबीयत गड़बड़ा रही है। जब एक अगला आदमी कह रहा है कि तबीयत गड़बड़ा रही है, तो उसको जाहिर सी बात डॉक्टरी इलाज की जरूरत होनी चाहिए, पर बस इतने इस प्रकार की कोई नहीं। हमारी सिस्टर को करीब 11:30 के आसपास फ़ोन आया है, अगर 10-5 मिनट उसको फ़ोन हमको मिलाते हुए, तो हमारे पास 11:44 की रिकॉर्डिंग है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 11:44 से 8:30 का मसला है ये, क्या कहते हैं, ये 3 घंटे क्या होता रहा उसके अंदर? अच्छा, ये बताइए जो ऑफिस का समय वो तो 10:00 है जी, कभी कदार हो, उसके बावजूद भी ये रात को 11:30 आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तकरीबन 5 घंटे का ये एक ड्यूरेशन हो जाता है, 5 घंटे ये क्या कर रहे थे? सर, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या कहते हैं कि ऑफिस का कभी कदार शेड्यूल होता है कि जो है 6 बजे टाइम बंद हो जाता है, कभी कदार काम ज़्यादा होने के कारण तो आदमी जो है कुछ देर रुक जाता है, पर हम चाहते हैं, क्या कहते हैं, कि जो 8:30 का मसला है, तो हमारी सिस्टर को 11:30 के आसपास क्यों फ़ोन किया गया? ये 9 बजे किया जा सकता, 9:30 किया, और प्लस करने से पहले जब सहायक उन्हीं कर्मचारी साथ में मौजूद हैं, तो बगल में सिविल अस्पताल है। पुलिस का क्या सहयोग मिल रहा है? पुलिस का सहयोग सर जी मिल रहा है, जब हम पहुँचे हैं तो पुलिस की 112 नंबर टीम आ चुकी थी, क्या कहते हैं, देखा अपने बहनों को, क्या कहते हैं, तो वो मृत थे, क्या कहते हैं, पुलिस वालों ने मृत बताया, फिर हमें, क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम की अर्जी लिखी। क्या किसी के नाम पे आप लोग ने तहरीर दी है या फिर अज्ञात के नाम पर दी है? जो है एक है मुकेश कनौजिया, उनको रात में से जो है करीब वही सुबह 6 बजे तक के, ये उन्हीं के सहायक कर्मचारी हैं, किस पोस्ट पे हैं ये नहीं पता है, उन्हीं के सहायक उन्हीं की जो है बगल वाली टेबल पर रहते हैं, क्या कहते हैं, उनको रात को कम से कम 100-150 फ़ोन किए जा सके, उनने अभी तक कोई फ़ोन का रिप्लाई नहीं आया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब वो साथ में थे तो वो छोड़ के भागे क्यों? क्या न्याय की क्या उम्मीद है? मुझे सर न्याय चाहिए, क्या कहते हैं, जो भी न्याय हो, क्या कहते हैं, जो भी न्याय हो, मुझे बस वही न्याय चाहिए। न्याय ना मिलने की अवस्था में फिर अगला स्टेप क्या होगा? सर जी, अगला स्टेप जो है मुख्यमंत्री आवास होगा सर जी, क्या कहते हैं, कि मुझे बस न्याय चाहिए, जो भी सच्चाई हो मुझे वो आनी चाहिए, कैसे डेट हुई, किस प्रकार परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, मुझे बस ये जानना है, क्या कहते हैं। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर हमने मृतक के भाई जय सिंह से भी बात करी, और जो मृतक की पत्नी है सपना सिंह, उनके भाई से भी बात करी, कुल मिला के इनका कहीं ना कहीं एक शक भी जाता है साथी कर्मचारियों पर, और इन्हें सीएम योगी से पूरी तरह से न्याय की उम्मीद है। कैमरामैन शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर मुरादाबाद से है, जहां पुलिस ने मृतक टेलर की हत्या का खुलासा किया है। बता दें, टेलर की नुकीले हथियार को दिल में गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में युवक ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने किया। 17 जुलाई की शाम को थाना कटघर क्षेत्र में, चौकी काशीपुर दराज क्षेत्र में, जो पुल है पुल के नीचे एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था, जिसको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पहुँचने तक उसकी मृत्यु हो गई थी।
उसके घर वालों से उस दौरान जब बात की गई तो उनका एक शकील नाम के व्यक्ति पर ये संदेह था कि ये मृतक उसकी पत्नी से बात करता था और इसको लेके शकील जिससे रंजिश करता था और शकील ने उसकी हत्या की है और इसी आशय की इन्होंने एक तहरीर दी थी जिस पर थाना कटघर पर धारा 302 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव में बदमाशों ने एक सेवानिवृत्त अध्यापक को धमकी दी, जिसके बाद देर रात अपने घर वापस लौट रहे अध्यापक को बदमाशों ने रास्ते में पकड़ लिया। साथ ही उसके द्वारा रिटायरमेंट के बाद संचालित प्राइवेट स्कूल को बंद करने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि धमकी के बाद से ही अध्यापक दहशत में था। वहीं बदमाशों की दहशत के चलते अध्यापक को रास्ते में ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। कि अध्यापक की दहशत की वजह से मौत हुई है, ब्रेन हैमरेज वजह बताई जा रही है। आपको बता दें कि पहले से ही तबीयत ठीक नहीं रहती थी अध्यापक की और बदमाशों द्वारा दी गई धमकी के बाद उनकी दहशत में आकर मौत हो गई। अलीगढ़ से यह मामला सामने आया है जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गाँव में बदमाशों ने एक सेवानिवृत्त अध्यापक को धमकी दी, जिसके बाद देर रात अपने घर वापस लौट रहे अध्यापक को बदमाशों ने रास्ते में पकड़ लिया। उनके द्वारा रिटायरमेंट के बाद संचालित प्राइवेट स्कूल को बंद करने की धमकी भी दी गई। मेरे पिताजी गांव नरवारी में टीचर हैं और वो एक स्कूल चला रहे हैं। उस गांव के 4-5 लोगों ने उन्हें रोज मारने की धमकी दी। कल उनके साथ बदतमीजी की गई। धमकी क्यों दी थी? धमकी ये इसलिए दी गई थी कि ये स्कूल हमारा है और हम ही इसमें रहेंगे, ना तो यहाँ रहेगा ना ही इस गांव में रहेगा। तो डेली उनके साथ बदतमीजी की जा रही। कल उन्हें 3-4 लोगों ने रास्ते में पकड़ के उनकी कनपट्टी पे पिस्टल रखी थी और बोला था कि आपको मार देंगे, आपके बच्चों को मार देंगे और आज के बाद स्कूल में आई। 11वीं मस्जिद के मुकदमे में विपक्षी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में सुनवाई रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। वहीं प्रार्थना पत्र में अदालत से अपील की गई है कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता रहे अभयनाथ यादव का असामयिक निधन हो गया है, इसलिए सुनवाई की अगली तिथि बढ़ाई जाए। हम लोगों ने एक मोहलत की दरख्वास्त दिया है, उसके लिए टाइम मांगा और जो तो 18 तारीख लगी है। सर क्यों समय मांगने की कोई वजह भी नहीं कि हमारे जो लोग अगर नाथ यादव जो मुकदमा कर रहे थे उनका ध्यान हो गया, सबको पता है, तो उसके लिए कुछ तैयारी हम लोग करना होगा। ये प्रार्थना पत्र विपक्षी द्वारा दिया गया कि उनके चैम्बर में पत्रावली है और फिर ही जब तक उनकी खत्म नहीं हो जाती है, समाप्त हो जाती है, संपन्न हो जाती है, तब तक एक मुकदमे के लिए मुझे कार्रवाई हो पाना संभव नहीं है। हम लोगों ने भी सीन करके छोड़ दिया क्योंकि अधिवक्ता की बात थी, 18 अगस्त को डेट लगी है अपनी सुनवाई के लिए। औरैया के सुभाष चौराहे पर दिल को खुश कर देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां यातायात पुलिस के उपनिरीक्षक ने रास्ता पार करने का इंतजार कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति को हाथ पकड़कर रास्ता पार कराया। बताते चले कि चेकिंग कर रहे उपनिरीक्षक की उस बुजुर्ग पर नजर पड़ी तो उन्होंने चेकिंग छोड़कर उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और अपने सहयोगियों के साथ उसे चौराहे को पार कराया। वहीं इस पर बुजुर्ग द्वारा उपनिरीक्षक और उनकी टीम को धन्यवाद दिया गया। बिजनौर में भारत किसान यूनियन टिकैत गुट के विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के नेताओं ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों पर तंज कसे। उनका कहना है कि सरकार ने किसानों का बिल आधा करने की घोषणा की थी, जिसके बावजूद मीटर लगाकर किसानों का बिल 4 गुना किया जा रहा है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन निजी नलकूपों पर लगाए मीटरों को पुरजोर विरोध करता है। हमारे जिला अध्यक्ष जो कुलदीप जी हैं, उनकी और डीएम की और एससी की कल हमारे जिला अध्यक्ष जी को बुलवाया था, टीम आई थी हमारी और जो इन्होंने बात मान ली है।
एससी ने ये बात कही थी अपने पांचों डिवीजन जो है उनमें जमा करो जाके मीटर अपने, ये एससी के कहने पे ही हम लाए हैं, डीएम के कहने भी लाए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके के रहने वाले कुछ किन्नरों ने आज एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर एक शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें बताया गया है कि एक युवक खुद को किन्नर बताकर उनके क्षेत्र में अवैध वसूली करता है। वहीं जब इस बात की जानकारी क्षेत्र के किन्नरों को लगी तो उन किन्नरों ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। मेरे क्षेत्र में कुछ नकली किन्नर घुस रहे हैं और एक जो है उसमें उनका गुरु वो नकली मतलब लोंडो को कपड़े पहना पहना के ला रहा है, उसका नाम है रेशमा उर्फ नन्ने और सिकंदर उर्फ चमकी। ये मतलब ये नकली किन्नरों को मेरे लिए मेरे मारने के लिए लेके आता है। मैं अकेले रहती हूँ, अकेले अपने घर पे रहती हूँ, मेरा चेला रहता है, मेरा चेला आता है, हम दो जने हैं और दोनों हम किन्नर हैं और मुझे अपनी जान की माल की सेफ्टी चाहिए और कुछ नहीं। गाजियाबाद एसएसपी ऑफिस में कविनगर थाने में बमेहट के रहने वाले सुमित चौधरी ने चूहे मारने की दवा खाई, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित को राजनगर के संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं सुमित का कहना है कि वो जिंदगी से तंग आ गया है और उसने लव मैरिज की थी और उसकी पत्नी 16 तारीख से गायब है। इसकी सूचना उसने कविनगर थाना पुलिस को दी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और गौर रक्षक आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री अतुल सिंह के आकस्मिक बहराइच आगमन पर जिला प्रभारी राकेश कुमार दुबे के शैक्षणिक गुरु गांधी इंटर कॉलेज के अध्यापक के 13वें संस्कार में आने पर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने झिगहा घाट बाईपास पुल पर स्वागत और माल्यार्पण किया। इसके बाद जिला कार्यालय में संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। समस्त जिलाधिकारीगण को यह निर्देशित किया है कि जो भी गोवंश हमारे छुट्टा घूम रहे हैं, क्योंकि छुट्टा घूमने से किसानों के फसलों का भी नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त रूप से यह निर्देश दिया है कि छुट्टा जानवर कहीं भी घूमने ना पाए, जहाँ पे वो पकड़े जाएं वहाँ पे अगर हमारा बृहत गो आश्रय स्थल है या कान्हा गो आश्रय स्थल है या अस्थाई गो आश्रय स्थल है उसमें उसे पहुंचाया जाए। गाजियाबाद के डासना जेल रोड पर एक बार फिर जीडीए का बुलडोजर जमकर दहाड़ मार रहा है और जीडीए के आला अधिकारी अवैध रूप से बिना मानचित्र और परमिशन के बनी कॉलोनियों को ध्वस्त कर रहे हैं। वहीं आसपास कॉलोनी द्वारा प्लॉटिंग कर बनाई गई अवैध कॉलोनियों की जहां पर जीडीए की टीम द्वारा ध्वस्तीकरण का कार्य कर कॉलोनाइजर को कड़े संदेश दिए गए हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम।